तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगा? इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम? बालक का ढकढक बंद हो गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात का समय था, चारों ओर धुप्त अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था, वहाँ चार मोमबत्तियाँ जल रही थी। चारों मोमबत्तियाँ एकांत देखकर आपस में बात करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ, जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। इतना कहकर मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपनी मन की बात कहने लगी, मैं विश्वास हूँ, मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, बेईमानी मेरे रहते हुए भी बढ़ती जा रही है। अब मुझे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, मैं अब जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी, वो बोली, मैं प्रेम हूँ, हर किसी के लिए हर पल चल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान ले जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भावना नहीं बची। यह कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू बहने लगी। दुखी मन से वह बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगा? बालक की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक जल रही हूँ तो मेरे लौ से दूसरी मोमबत्ती को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का ढकढक बंद हो गया। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। दोस्त, जीवन में समय एक साथ नहीं रहता, कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीप जला लेना। जब तक आशा का दीप जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, इसीलिए आशा का साथ कभी न छोड़ें।